माइनक्राफ्ट 3D लोगो, एक ऐसी चीज जो कि यार तुम लोग अपने चैनल के लिए चाहिए ही होता है, क्योंकि यार उससे हमारा चैनल यूनिक दिखता है। बाकी इससे कुछ महीने पहले मैं एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने तुम लोगों से कहा था माइनक्राफ्ट का 3D लोगो बनाना, वो भी ड्रॉ करके। लेकिन यार तुम में से आधे से ज्यादा लोगों को ड्रॉइंग करना नहीं आता था, जैसे कि मेरे को नहीं आता है। तो आज यार तुम लोग होने वाले हो बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि यार मैं दोबारा ले आया हूँ इसी टॉपिक पे वीडियो। लेकिन आज मैं जो सिखाने वाला हूँ उसमें यार तुम्हारा एक ही क्लिक में बन जाएगा, इसमें ना तुमको ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी ना ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले यार तुम लोग मेरे को यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यार हमारे 1K फॉलोअर होने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जल्दी से फॉलो करो। बाकी चलते हैं वीडियो के अंदर, सो लेट्स बिगिन। तो तुम लोग आ जाना अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पे तुम लोग को सर्च कर लेना है ब्लिंक चैट। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ और बाकी सर्च करने के बाद देखो तुम्हारा टॉप में ये वाला ऐप आ जाएगा। तो तुम लोग को इसको इंस्टॉल कर लेना है और बाकी इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम लोग को यहाँ पे देखो वो प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है। और उस पर टैप करने के बाद तुम लोग को यहाँ पे टैप टू साइन इन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे तुम लोग यार माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो तुम लोग उस पर साइन इन दबाना है। और बाकी तुम्हारा पहले से ही अकाउंट होगा तो इसमें अपना जीमेल डाल देना और तुम्हारे जीमेल पे कोड आएगा उसको डाल देना, या तो तुम लोग यार न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना। फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ पे एक इमेज क्रिएटर दिखेगा, इस पर तुम लोग को टैप कर लेना है। फिर टैप करने के बाद यहाँ पे तुम लोग यार सिंपली अपना डिस्क्रिप्शन डालना है तुमको कैसा बनाना है। तो जैसे कि यार मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्यूट बॉय विद ग्रीन हुडी, क्योंकि यार देखो मेरी स्किन में यार ग्रीन हुडी है और नीचे अंदर क्रीपर वाला शर्ट है, तो मैं वही लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीन हुडी लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉरी ग्रीन जैकेट लिख देता हूँ, मैं ग्रीन हुडी कह रहा था। बाकी यहाँ पे मैंने ग्रीन जैकेट सर्च कर दिया है और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ब्लैक शर्ट और विथ गिफ्ट हम हैंड में पकड़ा देते हैं इसका गिफ्ट बॉक्स, क्योंकि यार मैं क्रिसमस थीम वाला बैकग्राउंड बना रहा हूँ तो इसलिए इसके हाथ में हम गिफ्ट पकड़ा देते हैं। और बाकी यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिसमस थीम बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिसमस थीम बैकग्राउंड भी लिख दिया है और यहाँ पे हम माइनक्राफ्ट भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें माइनक्राफ्ट टाइप में चाहिए। और बाकी तुम लोग यहाँ पे क्रिसमस थीम माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड लिख देना और यहाँ पे अब तुम्हारा यार क्रिएट पे टैप कर देना। बाकी ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 15 सेकंड लेगा। तो यहाँ पे अभी जल्दी से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारा इमेज भाई लोडिंग ले रहा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इमेज जब बन जाए भाई देखो कितना तगड़ा सब बना है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सही से नहीं बना है। और इसमें भाई तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम मतलब कैसा मतलब डिस्क्रिप्शन डालते हो, उस हिसाब से तुम्हारा बनेगा। और तुम लोग अगर देखो स्वॉर्ड वाला चाहिए तो स्वॉर्ड वाला डाल देना। और यहाँ पे ऐसे ही तुम लोग को बार बार क्रिएट पे टैप करोगे तो बहुत से अलग अलग से लोग आएंगे, तो तुम लोग उस हिसाब से बार बार भी बना के चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारा वाला स्किन का नहीं आया तो तुम लोग और भी टैप करके देख लेना। और यहाँ पे देखो हमारे वाला बन गया, मैंने इसको भी डाउनलोड कर दिया है। अब मैं यार इसमें थोड़ा और चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो ओरिगैमी हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ओरिगैमी सर्च कर लिया है, अब ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा। तो ये फर्स्ट वाला देखो भाई कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है ओरिगैमी में। बाकी इसमें मेरे को थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो अलग बात है। बाकी लेकिन स्टाइल देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ड्रॉ स्टाइल। अब यहाँ पे हम इसको भी कट कर देते हैं और इसके हाथ में हम यार कुछ और पकड़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है गिफ्ट बॉक्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यार फुलझड़ी, क्योंकि हम यार दिवाली वाला बना के चेक करते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुलझड़ी और यहाँ पे हम क्रिसमस थीम के बजाय दिवाली थीम लिख देते हैं, क्योंकि यार इस बार थोड़ा मैं इंडियन थीम टाइप बना रहा हूँ। और मैंने दिवाली वाला भी बैकग्राउंड बनाया, मतलब दिवाली वाला पोस्टर भी बनाया था, तो तुम लोग भाई कमेंट कर देते वो कैसा बनाया था। तो इससे तुम लोग यार अपने पोस्ट भी बना सकते हो कम्युनिटी पोस्ट के लिए, या फिर जो भी त्यौहार होगा उसके लिए तुम लोग बना सकते हो पोस्ट। और यहाँ पे देखो भाई कितने तगड़े तगड़े से बन के आए हैं। और बाकी वो तुम अगर ड्रॉ आता है तो तुम खुद से भी ड्रॉ करके तगड़े से बना सकते हो, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, वो वीडियो मैं तुम लोग यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना। और यहाँ पे देखो हमारा ये वाला भी बन गया है। अब हम इसमें यार दूसरा टाइटल डालते हैं, जैसे कि मैं देखो गणेश जी को हाथ में पकड़ा देता हूँ, ताकि अब थोड़ा भाई इंडियन गॉड वाला बना रहा हूँ तो हम गणेश का गॉड मारते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी के दिन अगर तुमको पोस्ट बनाना हो तो तुम ये डाल सकते हो। और बाकी देखो भाई क्या तगड़ा सा लग रहा है भाई, इसके हाथ में इंडियन फ्लैग है और इसके हाथ में यार गणेश जी भी है, देखो कितना तगड़ा सा लग रहा है। अब यहाँ पे हम यार थोड़ा और तगड़ा सा बनाते हैं, यहाँ पे मैं यार लोगो बनाता हूँ, क्योंकि देखो तुम लोग को अगर लोगो बनाना होगा तो उसके लिए तुम लोग को यार स्वॉर्ड पकड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं सर्च कर लेता हूँ क्यूट बॉय विद ग्रीन जैकेट और यहाँ पे हम इसके हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा देते हैं और थंडर वाला बैकग्राउंड कर देते हैं। अगर ये वाला थीम होगा तो भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा रहेगा, तो मैं इसको सर्च कर दिया सिंपली। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट स्टाइल भी मार देता हूँ, रुको, क्योंकि ये थोड़ा माइनक्राफ्ट स्टाइल बनेगा तभी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो भाई तुम्हारा माइनक्राफ्ट स्टाइल आ गया है और ये थोड़ा भाई अजीब सा है, तो तुम लोगों को दोबारा इसमें चेंजेस करके टाइटल डाल सकते हो। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ, ब्लॉक टाइप मार देता हूँ, ब्लॉक स्टाइल। तो हमने ये भी सर्च कर लिया है, अब देखो तुम्हारा भाई थोड़ा ब्लॉक स्टाइल आ जाएगा।
अब तुम लोगों को तुम्हारा कैसा लिखते हो डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से बनेगा। कि यहाँ पे मेरा इमेज बन गया, अब मैं यार इसको कस्टमाइज करता हूँ। तो सिंपली तुम लोग यार अपने पिक्सआर्ट पे आ जाना है, क्योंकि यार इसमें तुम्हारा स्किन की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं लगेगा तो कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कोई भी एक चुन लेता हूँ, तो मैंने ये वाला चुना है, तो तुम लोग भी चुन लेना। और यहाँ से तुम लोग रिमूव टूल पे जाना। अब जैसे कि बीच में देखो ये अजीब सा ही दिख रहा है, इसको मेरे को पहले करना पड़ेगा रिमूव, क्योंकि यार मेरे लोगों पे ये नहीं है। मैं क्रीपर ऐड करूंगा तो मैं इसको सिंपली रिमूव कर देता हूँ। बाकी इसको रिमूव करने के बाद अब मैं जल्दी जल्दी से स्पीड अप कर देता हूँ। जब तुम्हारा बेकार के पार्ट रिमूव हो जाए, तुम लोगों को जहाँ पे रिमूव करना हो जो तुम्हारी स्क्रीन में ना हो रिमूव कर लेना। और यहाँ पे फिर तुम लोगों को अपना यार कैरेक्टर मॉडल ऐड करना है जिसमें तुम्हारा लोगो दिख रहा होगा। जैसे कि मेरा देखो इसमें 20 सेट में वो क्रीपर दिख रहा है, तो मैंने इसलिए ये वाला ऐड किया था। अब मैं इसको क्रॉप करके यार सही सा कर देता हूँ एकदम सही से। फिर हम इस पर टिक दबा के सेव कर देते हैं। अब तुम लोगों को इसको सिंपली जूम करना है, और यहाँ पे हम इसको भाई अब सही से और सही से इसका साइज कर देते हैं मेंटेन, और इसको सही से एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा से क्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि वो ऊपर का पार्ट आ रहा है, तो मैंने इसको भी क्रॉप कर दिया। अब सिंपली तुम लोग को यार इसको भी जूम करना पड़ेगा, तो मैं इसको जल्दी से जूम करता हूँ, रुको सही से एकदम एडजस्ट, क्योंकि इसमें अभी मेरे को बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये मैं इसको एकदम सही से ऊपर करता हूँ, रुको और जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इसको यहाँ से पतला, अभी इसको इधर से भी पतला कर दिया है। अब थोड़ा हम इसको ओपेसिटी कम कर देते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ओपेसिटी भी कम कर दिया। सिंपली अब तुम लोग को इरेजर टूल पर आ जाना है, और इसको धीरे धीरे इरेज करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इधर के बेकार के पार्ट इरेज कर देता हूँ। देखो मैंने पूरा पार्ट इरेज कर दिया है। फिर तुम लोग यार सिंपली रिस्टोर वाला ब्रश चुन के ये बीच पार्ट में तुम लोग को रिस्टोर करना है, तो मैं जल्दी जल्दी से स्पीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा देखो ये भी कस्टमाइज हो गया। अब इसका मैं ओपेसिटी एकदम सही से सेट कर दिया है। अब मुझे इसमें और कस्टमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिंपली इस पर टैप करना पड़ेगा, और फिर तुम लोगों को जाना पड़ेगा एडजस्ट टूल में। मैं एडजस्ट टूल पे आ जाता हूँ, और फिर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट भी फुल कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम इसका सैचुरेशन भी बढ़ा देते हैं। सैचुरेशन बढ़ाने के बाद देखो थोड़ा मेरा मैच हो रहा है, मेरा लग रहा है स्किन है। अभी मैं इसका हाईलाइट भी थोड़ा वो कर देता हूँ। बाकी तुम लोग यार एआई से तगड़े तगड़े भाई थंबनेल भी नहीं, थंबनेल तो नहीं बना सकते, बाकी रेंडर्स बना सकते हो। लोगो भी यार तगड़े तगड़े तुम लोग बना सकते हो, और पोस्टर्स भी तगड़े बना सकते हो अपने चैनल के लिए। और तुम लोग अगर थोड़ा वो यूनिक अगर पीएनजी निकाल निकाल के बनाओ, तो तुम लोग यार बैनर भी बना सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो मेरा वो भी हो गया, मैं सिंपली एफएक्स पे आ गया, और यहाँ पे बीएनडब्ल्यू चुन लिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी आइस पूरी ब्लैक कर देता हूँ, तो तुम लोगों का करना होगा कर लेना। बाकी यहाँ पे मैंने रेजर टूल चुन के हम पूरा इसका वो रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा रिमूव कर दिया। फिर तुम लोगों को दोबारा रिस्टोर टूल पे आना है, और इसके आइज में कर देना है अगर तुम्हें अपना ब्लैक आइज करना हो तो। मैं जल्दी से इसको सही से इरेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा आइज भी कर देता हूँ, क्योंकि भाई एक आइज सही नहीं रहेगा। अब देखो भाई यहाँ पे हमारा कितना तगड़ा सा लग रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतने, अगर तुम लोग को वीडियो में जरा समझ आते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा दो यार, ताकि ऐसी और सब वीडियो आते रहे। और यहाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ मेरे 1K फॉलोवर होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी यार 1K फॉलोवर करवा दो। और हाँ, मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ऐसे यार तुम लोगों से चैट करते रहता हूँ, और तगड़ी तगड़ी यार AI ऐप भी बता दूंगा मैं वहाँ पे। और तुम लोग अगर तगड़े GFX पैक चाहिए तो भाई तब तो पक्का ही ज्वाइन करो। और हाँ, तुम लोग ये भी बताओ कि मेरे को यार नेक्स्ट टॉपिक इस पे लाना चाहिए कि नहीं, टॉप 5 बेस्ट AI ऐप जिससे तुम लोग और भी तगड़े तगड़े लोगों बना सकते हो। और मेरे को अगर तुम लोगों को कोई अच्छा सा कंटेंट आइडिया हो तो वो भी मेरे को कमेंट में बता के चले जाना। अब DL में जा रहा हूँ, बाय बाय।